In chemistry class, today I will discuss quantum number. इस केमिस्ट्री क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर. पहले हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. डेफिनेशन लिखी हुई है. बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक पोजीशन है, लेकिन जब डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर बताया तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हैज नो स्टैटिक पोजीशन. इलेक्ट्रॉन की कोई अस्थाई पोजीशन नहीं होती, वेव नेचर है एंड मूव्स एज ए क्लाउड. तो हम ही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज वेरी डायनेमिक. इलेक्ट्रॉन इज वेरी डायनेमिक, सो देर इज नो स्टैटिक पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो डेफिनेट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैव नो डेफिनेट सिचुएशन. ईच इलेक्ट्रॉन is identified as four quantum numbers. इलेक्ट्रॉन की कोई स्टैटिक पोजिशन नहीं होती, इसलिए उसकी कोई स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटम नंबर से. हम उसे क्वांटम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं. देर आर फोर क्वांटम नंबर. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हिच इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल एन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द शेप, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट. जैसे ही न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस इंक्रीज करती है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज करती है, रेडियस बढ़ता है, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता चला जाता है. लिखा है मैंने, एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस इट्स एनर्जी बिकम्स हायर एंड हायर. हमने आपको बताया था जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये पहली ऑर्बिट है जिसको कि क्वांटम नंबर कहते हैं हम, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये हमारा न्यूक्लियस है. ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवंथ. बिकॉज सेवन क्वांटम नंबर इज एस्टैब्लिश्ड नाउडेज. इसको हम कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू फोर, एन इज इक्वल टू फाइव, एन सिक्स, एन सेवन. हमने कहा इसको जो लेटर से डिनोट करते हैं हम, फर्स्ट को के, दूसरे को एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू. अब हमको ये देखना है इसमें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर का. n मीन्स क्वांटम नंबर, यही है n, 1, 2, 3, 4. n इज
एक दो तीन चार पाँच छः सात, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यहाँ मैंने टेबल में लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट लाइन लिखा मैंने वैल्यू ऑफ एन, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सेल का डिजिग्नेशन किया किससे, वन को के से, टू को एल से, थ्री को एम से, फोर को एन से, फाइव को ओ से, सिक्स को पी से, सेवन को क्यू से। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन स्क्वायर। तो पहले में एन इज इक्वल टू टू वन है, तो टू इंटू वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू, इसका मतलब मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। दूसरा है एन इज इक्वल टू टू, टू इंटू टू स्क्वायर बराबर इसमें आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम आठ इलेक्ट्रॉन। थर्ड है टू इंटू थ्री स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। टू इंटू फोर स्क्वायर, एन में क्वांटम नंबर फोर है 32 इलेक्ट्रॉन्स, फाइव में 50 इलेक्ट्रॉन्स एंड सिक्स में 72 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेवन में 98 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन फोर हाउ मच, तो योर आंसर विल बी टू एन स्क्वायर, टू इंटू सेवन स्क्वायर दैट इज 98। सेवन के लिए, सिक्स के लिए 72, इस तरह से आप करें। अब इस क्वांटम नंबर को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, क्योंकि मैंने बताया कि शेल उसको ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल मैथमेटिकली इज रिलेटेड बाई एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अब यहां पर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस है माने न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है वो, वी वेलोसिटी है, एन क्वांटम नंबर है और एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये चीज हम इसमें बता दें डायग्राम से, क्योंकि बच्चों को सेल सब सेल ऑर्बिट ऑर्बिटल इसमें डिफरेंस नहीं मालूम। जैसे हमने लिया है, इसको हम कहते हैं यंग माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको सेल भी कह सकते हैं आप, इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं आप, इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं आप, किसी नाम से इसको बुला लीजिए, जान लीजिए। अब इसके बाद एक शेल में सबसेल होते हैं, जैसे एक यह है और एक यह है, ठीक, यह हमारा सबसेल है, यह सबसेल है, इसको आप कह रहे हैं यस और इसको कह रहे हैं पी, इसी तरह से डी भी है एम भी है। अब सेल हो गया, सबसेल हो गया, अब इसमें आइए ये है ऑर्बिट्स, सॉरी ये है ऑर्बिटल्स, ये है ऑर्बिटल्स और इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसकी हाफ स्पिन होती है। तो इस तरह से आप देखें इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं, यान इस टोटल को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कह सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसे हम कह सकते हैं, इसको यल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये हमारा है
स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ऑर्बिट क्या होती है, शेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है और उसमें पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन। तो पहला मैंने ले लिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा थर्ड है। अब हम ले रहे हैं सेकंड क्वांटम नंबर सबसेल को, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। यह है, इट डिटरमिन्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ऑर्बिटल मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। यह सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का कि क्या वैल्यू है। तो यहां मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ l, तो फॉर गिवन n आर फॉर गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द वैल्यू ऑफ l इज 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। अब ये 0 टू n माइनस 1 ये वन क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका 3 है तो बाहर का तो n कहेंगे, n माइनस 1 माने a, n माइनस 1 माइनस a। तो हमने यहां लिखा टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर n, n इज इक्वल टू 1, तो n माइनस 1 मीन्स 0, इट मीन्स इट हैज ओनली वन वैल्यू। 0 है मैथमेटिक्स का 0 नहीं है, इस 0 को डिनोट कर रहे हैं यस ऑर्बिटल को, क्योंकि यस ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है। व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो हम 0 भी लेते हैं, 0 एंड 1 इट हैज ओनली टू वैल्यू, एक वैल्यू आपकी यस होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, पी होती है। इफ एल इज इक्वल टू 3 तो एल इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, इट हैज 3 वैल्यू, इट हैज 3 वैल्यू। इफ एल इज इक्वल टू 4, 0, 1, 2, 3, इट हैज 4 वैल्यू। तो इस प्रकार से दो चीजें पूछी जाती हैं, वैल्यू ऑफ एल एंड टोटल वैल्यू। जब वैल्यू पूछी जाए तो आप 0, 1, 2, 3 ये करेंगे, और जब टोटल वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे एल इज इक्वल टू 4। उसके लिए अभी हम बताते हैं आपको कि क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है 2L प्लस 1। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू आपको बताया। अब इसमें आपको इतना जानना है कि n के लिए जो वैल्यू आप l की निकाले हैं उसका दूसरी तरह से आप जान लीजिए कि उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने सबसेल हैं। अब हम चल रहे हैं आपको बताने कि नाउ टोटल वैल्यू ऑफ l फॉर गिवन क्वांटम नंबर। अब हम आपको बताएंगे कि किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n में कितने सबसेल होते हैं। टोटल वैल्यू l फॉर गिवन n दैट गिव्स द टोटल सबसेल, उसमें कितने सबसेल होते हैं। जैसे मान लीजिए इफ n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 shows that there is only one subcell
इन के शेल, के मैंने पहले बताया एन इज इक्वल टू वन, ये पहला क्वांटम नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वन एस से। वन जो है पहले जो लिखा हुआ है ये क्वांटम नंबर है वन एस। इफ एन इज इक्वल टू टू देन एल इज इक्वल टू जीरो एंड वन शोज दैट देयर इज टू सबसेल, शोज दैट देयर इज टू सबसेल एंड रिप्रेजेंटेड एज टू एस एंड टू पी। ये टू है एन इज इक्वल टू टू, इसका मतलब कि यल में दो सबसेल हैं, माने सेकेंड क्वांटम में, क्योंकि क्वांटम नंबर एक काउंट किया जाता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाले को क्वांटम नंबर वन कहते हैं, जिसको आपने के कहा है, उसके ऊपर के को आप यल कहते हैं, वो एन इज इक्वल टू टू है एंड ऐसे ही सो ऑन एन इज इक्वल टू थ्री। यम थर्ड मैंने लिखा है इफ एन इज इक्वल टू थ्री, माने हम बात कर रहे हैं किसकी, यम की, कैपिटल यम की बात कर रहे हैं, तो इट शोज दैट थ्री सबसेल, यह बता रहा है कि इसमें तीन सबसेल हैं। अब उसको कैसे आप लिखेंगे, थ्री एस थ्री पी थ्री डी। अब ये थ्री जो है ये क्वांटम नंबर डिनोट कर रहा है एन इज इक्वल टू थ्री को, एन इज इक्वल टू थ्री को डिनोट कर रहा है। हमने यहां लिखा एन इज इफ एन इज इक्वल टू फोर देयर इज फोर वैल्यू जीरो वन टू एंड थ्री, तो ये दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है इसमें चार सबसेल हैं एस पी डी और एफ। अब हमको क्वांटम नंबर ही देना है, खैर डी तो तीन से चलता है थर्ड से या फोर से चलता है, लेकिन यस तो पहले से ही चलता है, तो जब आप पहले आप वन टू थ्री लिख देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वह यस किस क्वांटम नंबर का है। तो देयर इज फोर सबसेल रिप्रेजेंटेड एज फोर एस फोर पी फोर पी फोर डी एंड फोर एफ। अब हम एक चीज आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, यहां मैंने लिखा है एनर्जी ऑफ सबसेल इन फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे कम यस की होती है, मैंने लिखा है एनर्जी ऑफ यस इज लेसर देन एनर्जी ऑफ पी, एनर्जी ऑफ पी लेसर देन एनर्जी ऑफ डी, एनर्जी ऑफ डी इज लेसर देन एनर्जी ऑफ एफ। ठीक है, अब हमको ये भी देखना है कि जिस तरह से आपने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला आपने लिया 2n स्क्वायर, n दैट इज क्वांटम नंबर था। ठीक है, हमने लिया यस में, तो यस को हमने लिया एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला है 2 into 2L plus 1 एल एज मुथल क्वांटम नंबर है, तो यहां यस के लिए एल इज इक्वल टू जीरो, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into 0 plus 1, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 आएगा, इसका मतलब कि यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वैसे तो आप जानते हैं लेकिन इसको फार्मूला से जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको उसको फार्मूला से देना पड़ेगा। हमने पी लिया, पी में टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 2 0 and 1, 0 माने यस और 1 माने पी, तो यहां पर हमने किया 2 multiplied by 2 into 1 plus 1, कितना आया 2 into 3 is equal to 6, इसका मतलब कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, इस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट कर लिया। डी के लिए
तो 0, 1, 2, तो आपने क्या किया, 2 × 2 × 2 + 1 = 10। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और फॉर एफ ये वैल्यू है आपकी 2 × 2 × 3 + 1 = 14 इलेक्ट्रॉन। तो यस में वैसे आप जानते हैं, लेकिन फार्मूले से यस में आप निकालेंगे, इस फार्मूले से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन।